भ्रष्टाचार की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी में अगर भ्रष्टाचार हो और लौकुश जैसे, क्योंकि रामराज है और लौकुश ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जो सभासद हैं यहाँ के सारे शिकायत दर्ज कराए हैं। इस समय इस वक्त मैं कार्यालय नगर पंचायत इल्फातगंज में हूँ और जिस तरह का भ्रष्टाचार, क्योंकि डीजल घोटाला मामला सामने आया है, डीजल घोटाला भारतीय जनता पार्टी में डीजल घोटाला और किसी नगर पंचायत अध्यक्ष ने नहीं किया है, ये इनके सरकारी ये सरकारी अफसर ने किया है ये घोटाला। सरकारी अफसर का यह काला चिट्ठा है, वीडियोग्राफी भी उसकी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। छः से सात महीने का कार्यकाल बीतने जा रहा है लेकिन अब तक यहाँ पे एक ईंट तक नहीं रखी गई है, क्योंकि उनकी तानाशाही, जो यहाँ की अधिशासी अधिकारी हैं, उनकी तानाशाही चरम पे है और सभासद सारे परेशान होते हैं, कहते हैं कि जो विकास के मुद्दे थे आज जनता के बीच में नहीं पड़े। और इधर लोकसभा चुनाव भी है, जनता के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने किस मुद्दे पे जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। अब सभासदों से ही पूछेंगे, भैया क्या नाम है आपका? लवकुश पांडे हमारा नाम है, आज़ाद नगर से सभासद है। क्या मामला है पूरा? मामला ये है, अधिशासी महोदय सना सगीर जी हमारे यहाँ जब से नियुक्त हुई हैं, उनके आने के बाद नगर पंचायत की आवाम और हम लोग जितने लोग चुनकर यहाँ सभासद आए हैं, किसी की बात नहीं सुनी जा रही, अपनी मनमानी तरीके से नगर पंचायत को चलाना चाहती हैं। पूरा तानाशाही रवैया उनका है, जब से वो आई हैं, इसके पहले ये गेट हमारा जो खुला है नगर पंचायत का, जो बंद है, इसके पहले ये खुला रहता था, जब से आई हैं ये गेट हमेशा बंद रहता है। सिर्फ उनकी गाड़ी जब अंदर जाती तब ये गेट खुलता है, छोटे ही जो खिड़की लगी है उसी से लोग आते जाते हैं, सर झुका के जाएं सर झुका के आएं, इनको यही सब पसंद है। और रही बात डीजल, जो भी जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, कूड़ा जिससे ढोया जाता है, उसके लिए डीजल की पर्ची बनती है और डीजल लोग भरवाते हैं जाकर, जो कर्मचारी हैं, और उससे कूड़े की ढोवाई होती है। ये उस पर्ची पर अपनी गाड़ी में तेल भरवाती हैं, लगभग 400 लीटर महीने का ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। और हम लोग एक पटिया और अगर छोटी सी नाली कह देते हैं तो उसका काम इनको करने का मौका नहीं, कहते हैं ऐसा नहीं है, इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम लोग चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। हमने सुना है कि आप लोग मंत्री से भी इनकी शिकायत किए हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। जी, हम लोगों ने माननीय हमारे यहाँ जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनसे भी शिकायत की है कि इनको हटाया जाए, इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने लिखित रूप में शिकायत किया है और उसकी पेनड्राइव वीडियो क्लिप बना के जिलाधिकारी महोदय को दिया है। अच्छा, वहाँ से भी कोई कार्रवाई? अभी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि निश्चित कार्रवाई की जाएगी, 2-3 दिन हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सफाई कर्मी जब जाता है किसी बात को लेकर तो उनको भी इंग्लिश में बात किया जाता है। ये भी है कि जो सफाई कर्मी हैं अगर वो इसी लायक होते और पढ़े लिखे अच्छा होते तो आज झाड़ू नहीं लगाते नगर पालिका में, तो फिर क्या ये अपनी तानाशाही की तरह बताना चाहती हैं कि मैं इस रुतबे में हूँ? इतना लोगों को गुमराह किया जाता है, बार बार गुमराह किया जाता है। जैसे जो भी कर्मचारी है वो क्या कहना चाह रहा है, जितने भी कर्मचारी अगर उनके पास जाकर कोई अपनी बात, सभासद हों या कर्मचारी हों, उनके पास जाते हैं तो केवल उन्हीं की बात सारी वार्तालाप करते रहते हैं। एक बार किसी भी कर्मचारी की बात या किसी भी सभासद की बात नहीं सुनी जाती, केवल जो वो कहते हैं वही होती है। और वही चीज़ आज तक 8-9 महीने तक हम लोग इंतज़ार किए कि धीरे हो सकता आज हो जाए, आज हो जाए, उसके बाद हो जाए। ठंडी के दिन में अगर अलाव के लिए कोई भी सभासद, जितने भी सभासद हैं, सब अपने अपने वार्ड में कहीं अलाव के लिए अगर गए हैं, अगर उनके सामने बात रखे तो सीधा उनका यही लफ्ज रहता था कि मैं नगर पंचायत का पैसा धुआं में नहीं उड़ा दूंगी। जो ये सरकारी गाड़ी, उसमें सरकारी पर्ची, सरकारी तेल जो डलाया जा रहा है, ये क्या धुआं नहीं बन रहा है? ये कहाँ तक भ्रष्टाचार? अगर कोई बात, कोई सभासद किसी काम के लिए जाता है, अगर उनके सामने कहता तो सीधा यही काम कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगी। बार बार ही एक कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आवास के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, उसको कई बार उजागर किया, उसके बाद उसका प्रूफ मांगा जा रहा, तो कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी बराबर आती जाती रहती, तेल लेने रहते, कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उसका वायरल किया। हम लोग मंत्री को दिए, जिलाधिकारी साहब को वो ज्ञापन दिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो पूरी तरह से इनके खाते की जाँच हो, इनकी रिकवरी हो, जितना सरकारी डीजल लिया गया अभी तक उतना पूरा का पूरा वापस किया जाए। सरकारी डीजल जो नगर पंचायत की जो गाड़ियां होती हैं, जो सफाई की गाड़ियां होती हैं, वो डीजल उनकी गाड़ी में भरवाया जाता है? जी, ऐसा मामला प्रकाश में आया है। एक जो है, अभी जब इनकी गाड़ी गई थी पेट्रोल टंकी पर डीजल भराने के लिए, तो चूंकि पर्ची तो बनती है नगर पंचायत से कि जो यहाँ पर नगर पंचायत के विकास के लिए गाड़ियाँ लगाई गई हैं, कोई ट्रैक्टर है, कोई कूड़े की तमाम गाड़ियाँ हैं या जेसीबी है, इन सब के लिए डीजल भरा जाता है, लेकिन वो पर्ची तो उन गाड़ियों के नाम से कटती है और डीजल महोदया अधिशासी अधिकारी के गाड़ी में भरा जाता है।
ये तो मामला एक अलग है। और दूसरा मामला ये है कि चूंकि शासन की मंशा है कि हर गांव गरीब का विकास होना चाहिए, परंतु यदि अभी तक जो इनका रवैया रहा है, यदि इस प्रकार से रहा, यदि ये यहाँ पर रहीं, तो विकास नाम की कोई चीज़ आगे भी संभव नहीं होगी, जिससे शासन की जो मंशा है उसकी धज्जियाँ उड़ती रहेंगी। इसलिए हम सारे सभासद यही चाहते हैं कि इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए और किसी दूसरे अधिशासी अधिकारी का यहाँ पर अधिक स्थानांतरण हो, आए वो यहाँ पर, चूँकि फिर विकास का काम आगे जारी होता रहे। यहाँ के अध्यक्ष से क्या है, अध्यक्ष से कोई दिक्कत आप लोगों से? कोई दिक्कत नहीं है, अध्यक्ष को भी गुमराह किया जा रहा है, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि अध्यक्ष को भी गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष से अभी कोई शिकायत हम लोगों से नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री कहते हैं, जब प्रदेश के प्रधानमंत्री की इस तरह की होती है लोकसभा चुनाव में कि इस बार 400 पार का जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो कैसे 400 पार का? क्योंकि जिस जनता ने आपको वोट दिया है, एक छोटे से एरिया में वोट देकर सभासद बनाया है, और जनता के बीच में क्या वोट मांगने जाएंगे आप? इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं कि सरकार की मंशा जो है कि गरीब कल्याण जितनी भी योजनाएँ हैं सबको मिले, लेकिन यहाँ तो सिर्फ शासी महोदय शासन की विपरीत ही काम करने चली जा रही है। हमें लगता पार्टी विशेष की है, ये इनकी मानसिकता पार्टी विशेष की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो शासन की मंशा है उसको वे फॉलो नहीं कर रही है। आपकी पत्नी सभासद हैं और आप दलित समाज से ही हैं, क्या विकास में कितना आगे बढ़ा है आपका क्षेत्र? ये 0 पॉइंट है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक ईंटा और एक पटिया कोई चीज़ कहा जाता है मैडम से, मैडम अपनी बात सुनाती रहती हैं, हमारी बात नहीं सुनती हैं। हाँ, एकदम कोई चीज़ नहीं सुनती हैं। उनसे कोई बात करो तो वो अपनी ही समझाती रहती हैं, समझाते समझाते आप बोर हो जाओगे, लेकिन उनकी बात नहीं ख़त्म होगी और आपकी बात जो है उसको नहीं सुनेंगी। तानाशाही है, जो अफसरशाही है, उस अफसरशाही से हम लोग पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और क्षेत्र के विकास में रोड़ा बैठाया जा रहा, और इनकी कई बार कंप्लेन की गई लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुना नहीं जा रहा है। अधिशासी अधिकारी को सभासदों ने एक मांग किया है और जिलाधिकारी से भी मांग किया है कि इनका यहाँ से तबादला करवाया जाए, और दूसरे अधिशासी अधिकारी की जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक क्षेत्र का विकास